हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय BSES एंड सोफिया, एंड मेरा नाम है मोहम्मद मोमिन मीर। आज के टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं वो है मोडल्स। पिछली वीडियो में वहाँ पर एक वर्ब की बात हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो हैं वो तीन तरीके की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मोडल वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में पढ़ने का कुछ है नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको पता है, एज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मॉडल वर्ब का थोड़ा सा किस्सा हल्का सा थोड़ा पेचीदा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको ज़रा समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसकी कुछ कंडीशन होती हैं अलग अलग उसकी। तो ज़रा वो देख लेते हैं फटाफट कि क्या है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज टू इंडिकेट मॉडलिटी, दैट इज़ लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ की स्थिति को दिखाना वहाँ पे यूज़ की जाती है मॉडल वर्ब। जैसे कि किसी चीज़ की कोई क्षमता दिखानी हो, काबिलियत दिखानी हो, किसी को कोई परमिशन ग्रांट करनी हो, कोई ऑर्डर देना हो, किसी को कोई सलाह देनी हो, हमें किसी के ऊपर कोई हमें इल्ज़ाम लगाना हो, तो वहाँ पर उन सेंटेंसेस में यूज़ होता है किसका, मॉडल वर्ब का। अब ज़्यादातर जो कॉमनली यूज मॉडल्स होते हैं वो होते ही है कैन, कुड, should, may, might, would, will, shall, must, dare, etc. ये जितने भी हैं ये mostly commonly use होते हैं। अब ज़रा इसके कुछ फीचर हैं, कॉमन फीचर्स ऑफ मॉडल्स, ज़रा वो पढ़ लेते हैं क्या है। पहला वाला दे रखा है कि मॉडल्स आर नेवर यूज अलोन, दे आर ऑलवेज यूज विद अ प्रिंसिपल वर्ब। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मॉडल वर्ब जिस सेंटेंस में होगा वहाँ पर वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ एक प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कह सकते हैं, कि वहाँ पर मेन वर्ब मौजूद हो ही होगी। ठीक है, एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन तो हमारे यहाँ पे हो गई मॉडल वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे जो ड्राइव है, ये जो ड्राइव है ये है हमारी प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिख रखा है इसको। दूसरा फीचर क्या है मॉडल का, वो ये है, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू दी बेस और दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स के साथ जो वर्ब होगी यानी कि जो प्रिंसिपल वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, वो हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगी, ना सेकंड में होगी ना थर्ड में होगी, हमेशा किस में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। ओके, एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, आई कैन प्ले गिटार। ठीक है, यहाँ पे प्ले हमारी वर्ब है जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, अगला वाला क्या है, यू शुड वर्क हार्ड, शुड यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब है और यहाँ पे वर्क हार्ड ये हमारी वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे जो एक मॉडल दे रखा है, सबसे पहले वो दे रखा है कैन। कैन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कौन कौन से सेंटेंसेस में यूज़ होता है कैन, पहले वो देख लेते हैं जल्दी से कहाँ कहाँ यूज़ होता है। किसी की एबिलिटी दिखानी हो, किसी को सजेशन देना हो, या किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी हो, इन जगहों पर यूज़ होता है कैन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, आई कैन प्ले बास्केटबॉल, तो ये जो है ये मेरी एबिलिटी है, ये मैं कर सकता हूँ। एबिलिटी का मतलब किसी चीज़ को करने की काबिलियत। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में काबिलियत दिखाई जा रही है कि हाँ, आई कैन प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल हो गया एबिलिटी का। ठीक है, अगला वाला क्या, सजेशन का, कैन यू मेक नोट्स फॉर मी, ये सॉरी ये सजेशन का नहीं है, ये रिक्वेस्ट का है कि यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करी जा रही है किसी से कि कैन यू मेक नोट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, कैन पीछे लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। टेंसेस की वीडियो में मैंने बार बार आपको बताया है कि इंटरोगेटिव जहाँ पर भी होगा वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब मेन सब्जेक्ट से पहले आएगी। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस था, रिक्वेस्ट करी जा रही थी किसी से कि क्या तुम मेरे नोट बना दोगे। ठीक है, अगला वाला क्या दे रखा है, यू कैन कॉल अ टैक्सी, तुम टैक्सी को बुला सकते हो। ये तुम्हें एक सजेशन दिया जा रहा है कि चाहो तो तुम एक टैक्सी बुला सकते हो। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं, अगला वाला क्या दे रखा है मॉडल वर्ब में, कुड। अब कुड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, एक तो वहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट में वहाँ पर यूज़ होगा, पॉसिबिलिटी में वहाँ पर यूज़ होगा, एबिलिटी में इन पास्ट, एबिलिटी तो थी लेकिन पास्ट की कोई एबिलिटी वहाँ पर यूज़ होगा। इस बात को बेटा ध्यान में रखना, एबिलिटी यहाँ पे वो दिखाई जा रही है जो करंट की है, जो इस वक्त भी मौजूद है। ठीक है, बरकरार है।
यहाँ पर जो बात हो रही है एबिलिटी की, वो हो रही है पास्ट की, के पास्ट में कोई एबिलिटी की उसकी बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल, जब मैं यंग था यानी कि जवान था, मैं 1 मील भाग लिया करता था यानी कि दौड़ लिया करता था। तो ये मेरी पहले की एबिलिटी थी जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब मैं जवान था तो मैं 1 मील दौड़ लिया करता था। ठीक है, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाना चाहिए, एबिलिटी इन पास्ट का एग्जांपल है। अगला वाला देख लेते हैं क्या है। शी सेड शी कुड पे फॉर अस। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म हमें शुरू में सेंटेंस में दिखाई गई है, तो ये एक कन्फर्म हो गया कि ये पास्ट की बात चल रही है, क्योंकि प्रेजेंट में सेकंड फॉर्म का मतलब होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये सेड है यानी कि पास्ट है, और हमें पता है कि पास्ट में कैन तो नहीं लगाएंगे, कैन की पास्ट फॉर्म लगाएंगे, वो क्या है, कुड। तो आगे का सेंटेंस क्या बना, शी सेड शी कुड पे फॉर अस, वो हमें, हाँ वो हमारे लिए पे कर सकती है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या दे रखा है। कुड यू प्लीज़ पास मी दिस बुक। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही ज़्यादा प्यार से की गई हुई रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट में वहाँ पे यूज़ होता है कुड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुड यू प्लीज़ पास मी दिस बुक। ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल था। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुड यू प्लीज़ पास मी वाटर बॉटल। ठीक है, किसी से भी रिक्वेस्ट की जा रही है लेकिन एक पोलाइट मैनर में, जहाँ पर पोलाइट मैनर में रिक्वेस्ट की जाएगी वहाँ पर कुड यूज़ होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते क्या है। इट कुड बी डैट ही मिस द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हो सकता है कि उसने ट्रेन मिस कर दी हो। ठीक है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे कैन की जगह कुड लगाया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं आगे क्या है। मे, अगला वाला जो मॉडल है वो है मे। अब मे कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी में, ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट में, ठीक है, और ब्लेसिंग में। यहाँ पर मैंने फॉर्मल रिक्वेस्ट को बॉक्स में अंडरलाइन हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक अलग मीनिंग है। फॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर्मल रिक्वेस्ट वहाँ पर की जाती हैं जहाँ पर आप किसी फॉर्मल प्लेटफॉर्म में हो, अपने आप किसी फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे हो, यानी कि किसी ऑफिस में हो या किसी डिबेट कंपटीशन में हो, कॉलेज के अंदर हो, और अपने प्रोफेसर से कुछ चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फ्रेंड्स में अगर हम कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल है, लेकिन अगर आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे हो, किसी हेड से बात कर रहे हो या किसी बड़े टीचर से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर जो रिक्वेस्ट करी जाती है वो होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट, और वहाँ पर यूज़ होता है मे का। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट क्या है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, इसका एग्जांपल क्लियर हो जाना चाहिए। अगला वाला है मे आई स्पीक, तो ये जो है ये रिक्वेस्ट ही है बेटा, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी जा रही है बोलने से पहले कि क्या मैं बोल सकता हूँ। जब भी आप किसी फॉर्मल जगह पर होते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ एकदम से नहीं बोल सकते हो कि जो भी आपके मन में कोई पॉइंट है आपने एकदम से बोल दिया। अगर आपको कुछ अपना पॉइंट रखना है तो वहाँ पर आप पहले इजाज़त दोगे कि क्या मैं बोल सकता हूँ, और फिर जो है आप अपना पॉइंट पुटअप करोगे। जहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं कंपनियों के, तो उनसे पहले एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, GD। तो GD में जो है जब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अपनी बात रखने से पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ, और फिर जो है अपना पॉइंट रखते हैं। अब वो उनका पॉइंट लाइक में होता है, डिसलाइक में होता है, वो उनके समझ पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्ट जो है बेटा ऐसे होता है। ठीक है, अगला वाला क्या दे रखा है। मे गॉड ब्लेस यू, क्यों, क्योंकि मे का जो था एक ब्लेसिंग का ली था, और यहाँ पे दुआ दी जा रही है कि भगवान तुम्हें हमेशा सलामत रखे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। अगला वाला दे रखा है माइट का। अब माइट कहाँ का भी यूज़ होता है, माइट होता है पास्ट फॉर्म ऑफ मे में, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी में। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारा कुड था वो हमारा कैन का पास्ट फॉर्म था, ये जो हमारा माइट है ये हमारा मे का पास्ट फॉर्म है। जहाँ पर पास्ट आ जाएगा वहाँ पर मे की जगह माइट आएगा, और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल, ही सेड ही माइट चेंज हिज माइंड। अब यहाँ पे ही सेड से क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है। अब जब पास्ट की बात चल रही है तो हम यहाँ पे मे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसकी पास्ट फॉर्म, जो कि क्या है, माइट। ही सेड ही माइट चेंज हिज माइंड, उसने कहा था कि वो अपना माइंड चेंज कर सकता है। ठीक है, अगला वाला एग्जाम क्या दे रखा है। योर वॉच माइट बी इन दी लिविंग रूम, तो ये पॉसिबल ही है जो सामने वाले से कह जा रही है कि हो सकता है तुम्हारी जो घड़ी है वो
लिविंग रूम में रखी हुई है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल था।